हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्ट रेडी। मेरा नाम है लिसन। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। कुछ कंटिन्यूसली मेरे एक रेगुलर लिसनर्स की लिस्ट बन चुकी है, जो मेरा हर रिएक्शन देखते भी हैं, मुझे नई वीडियोस भी सजेस्ट करते हैं, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता उनके नाम भी याद होते जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही साथ रहें और एक लंबा अरसा हम साथ रहें। अभी इस चैनल को कल पहला मंथ होगा स्टार्ट किए हुए, सो थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा लव। और जो मेरे सबसे पहले सब्सक्राइबर्स हैं और जो इतना पसंद कर रहे हैं मुझे, वो मुझे नहीं भूलेंगे इन फ्यूचर, जब इंशाल्लाह ये चैनल ग्रो कर जाएगा। थैंक यू सो मच। सो एक और सजेशन है जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। कल मैंने एक सॉन्ग पे रिएक्ट किया था, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज थी, उसी का एक और सॉन्ग है, तेरी हो गईयां। सो लेट्स लिसन एंड वॉच आउट कैसा है ये। सिद्धार्थ की एक्टिंग की बात करूँ तो पहले मुझे कभी पता भी नहीं था कि वो कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, जब मैंने लास्ट वाला सॉन्ग सुना था, उसमें कुछ एक्टिंग देखी थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कमाल का मेच्योर एक्टर था वो, और शानदार इमोशंस नज़र आते थे उसकी एक्टिंग में, वो दिल को लगती थी। तो इसको इंजॉय करते हैं, फिर बाकी कमेंट्स करते हैं। ऑल्ट बालाजी चैनल है जिनका मैंने ये वीडियो लिया है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। I feel all fucked up, man. I feel broken. देखो कैसे तुझसे मैं यूं दूर चला गया, सोचा भी नहीं क्या होगा तेरा जो मैं चला गया, सोचा भी नहीं क्या होगा तेरा जो मैं चला गया। हाँ क्यों ना आए तुम पास के कैसे। Again, हम जी नहीं पाए कैसे तुझको ये बताए के हम जी नहीं पाए, जान लेती थी ये तेरी मेरी दूरियां, मैं तेरी हो गई। दूर दूर लहरें जाती फिर भी लौट आती, वैसे ही तय था एक दिन तेरा मेरा मिल जाना, तेरा मेरे पास आना, दूरियां नहीं है मुमकिन, कोई दायरा रहा कोई दर में आ रहा कोई दर में।
obsession never ends. It just shifts. Obsession never ends. It just shift. ऐसी बात है. ओ, बहुत ही खूबसूरत गाना था. और मैंने मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि सिद्धार्थ एक्टर कैसे हैं. सो अब देखा तो ऐसा ऐसा मुझे समझ आ रही है. और शानदार एक्टर, फुल ऑफ इमोशंस और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, उन स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ किया हुआ लग रहा है. और बात करें स्टोरी की तो स्टोरी मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ. ऐसा लगा कि दोनों जो मेल एंड फीमेल डोमिनेट करेक्टर्स हैं वो किसी बेस पे पहले अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते और इन दी एंड शायद दोबारा साथ होने वाले हैं, जो मुझे अंदाज़ा हुआ. सो लेट्स रीड आउट सम कमेंट्स, देखते हैं कि कमेंट्स में कुछ मुझे अंदाज़ा होता है. रेस्ट इन पीस, अनदर मास्टरपीस. Another masterpiece, really well said. Obsession never ends, it's just shift, yes. I can't believe a young diamond lost by industry. This song touches my soul. You will always be in our heart. This song is damn underrated. Haan, gaana to bahut acha hai. Underrated hai. The feel, the vibes, the soul, the beats, vocals, perfect. It's not just a song, it's a masterpiece. It feels peace to the heart. Yes, exactly. Ye acha define kiya hai. Miss you said you will be forever in our hearts. After listening this song, I literally cried for Siddharth Shukla. We lost one of the best actor. Main jab bhi comments padhta hun to log Siddharth ko bahut miss kar rahe hote hain. ऑब्सेशन नेवर एंड्स, इट्स शिप. वो लास्ट लाइन जो है वो बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो एक अच्छा एंड किया था उन्होंने अपने इस सॉन्ग का. तेरी होगी ऑलवेज टच द हार्ट, अलाउ मी टू गो इन माय फ्लैशबैक. दैट वाज द रिएक्शन. आई रियली एंजॉय दिस सॉन्ग और अच्छा था ये सीज़न. देखना पड़ेगा, बड़े इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं कोई भी सीज़न देख सकूँ. लिटरली पूरा दिन मसरूफियत में गुजरता है और रात के टाइम मैं आपकी सजेशंस पे रिएक्शन दे रहा होता हूँ और एडिटिंग भी मैं करके अपलोड करके सोता हूँ. अगर ऐसा ना करूँ तो फिर दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलना होता, फिर वो एडिटिंग का जो पेंडिंग वर्क है वो फिर अगले दिन की रात को शिफ्ट हो जाता है. तो ये सिचुएशन होती है. मिलते किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अलानी के बाद.